नोटबंदी। आज से ठीक एक साल पहले जब मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की तो देश में एक भूचाल सा गया। घंटों तक लाइन में लगे लोगों ने सरकार को कोसा कि यह सरकार द्वारा बिना सोचे समझे उठाया गया हुआ कदम है। इसके अलावा नेताओं के बयान आए, लेकिन देश में सरकार इस निर्णय को लागू करके ही मानी। नोटबंदी से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, इस बात का आकलन तो करना जरूरी है। लेकिन आज नोटबंदी के एक साल पूरे होने के अवसर पर आखिरकार देश की जनता ने इस नोटबंदी को कैसे लिया है, आखिरकार नोटबंदी को लेकर देश के नागरिक और जाने माने विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं हमारी इस विशेष स्टोरी में। आठ नवंबर की रात जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने की घोषणा की, देश के आधे से ज्यादा लोगों की तो नींद ही उड़ गई। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार के इस कदम से काले धन वालों की कमर टूटेगी और ईमानदार को फायदा होगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य। नोटबंदी की खबर को कहीं लोगों ने झूठा वायरल बताया तो कहीं लोगों ने अपने घर में रखे नोटों को ठिकाने लगाने के तरीके निकाले। यह वह रात थी जब देश भर में सोने चांदी की दुकानें यानी बड़े ज्वेलरी शोरूम रात भर खुले रहे। बिना बिल के सोना 50,000 रुपए तोला तक बिका। शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ियों और अंदर लोगों के खड़े रहने की जगह तक नहीं मिली। पैसा देने वाला एटीएम रात भर लोगों से पूरा नोट लेता रहा। नोटबंदी के बाद लोगों में आक्रोश भी पैदा हुआ। घंटों लाइन में लगने वाले लोगों ने सरकार को खूब कोसा, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि इस कदम में वे अपने धैर्य का परिचय दें। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को एक कड़वी दवाई बताया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का। लेकिन बावजूद इसके नोटबंदी को लेकर विपक्ष का रुख हमलावर था। नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लगे और मोदी सरकार का विरोध एक अलग तरीके से किया। वहीं विपक्ष के लगभग सभी नेता नोटबंदी को लेकर मुखर हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कदम को बिना तैयारी के उठाया गया कदम बताया। लोगों ने कहा कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है। लोग कह रहे थे कि वो लाइन में खड़े हैं और पीछे से बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है और चुने हुए लोगों को वो कैश दिया जा रहा है। जो अमीर है वो पीछे से पैसा ले जा रहा है और जो गरीब है वो लाइन में खड़ा हो रहा है। 3 दिन के लिए खड़े रहते हैं, चले जाते हैं वापस, तो बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा। और इन द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट हैज बीन अंडरटेकन अबाउट विच टुडे देयर इज नो टू ओपिनियंस इन द कंट्री एज ए होल। ₹500 and ₹1,000 notes in circulation
by value account for 86.4% of all the notes in circulation. All those notes will be withdrawn. If a person tenders an old note, it has to be replaced. Government has practically acknowledged that they cannot be replaced by smaller denomination notes. Spirit of Mohammed bin Tughlaq has entered our Honorable Prime Minister on the night of 8th of November 2016. This decision is completely imbecile and hilarious for the lack of a better word. हजार के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा? जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो हजार हजार के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज़्यादा, 2000 रुपए के नोट करने से। जिन लोगों के घरों में करोड़ों रुपया जमा था कमरों के अंदर, उनके कमरों में बिस्तरों में करोड़ों रुपये था, उनको तो अब 2000 के नोट मिल जाएंगे, उनको तो और सहूलियत हो गई। नोटबंदी के दौरान सरकार ने देश में 500 और 1000 के नोट के रूप में 16 लाख करोड़ रुपए चलन से बाहर किए। इस दौरान बैंकों में लगभग 99% तक नोट वापस जमा हुए। इसे लेकर खबरें यह भी आई कि सरकार नोटबंदी में असफल हुई है, क्योंकि सारा काला धन तो बैंकों में जमा हो गया। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि बैंकों में जमा हुआ सभी रुपया अभी जाँच के दायरे में है, और सरकार ने ऐसे खातों को चिन्हित किया है जिनमें गलत तरीके से रुपए जमा करवाए गए थे। ये जो रुपया जमा हुआ है बैंकों के अंदर 16 लाख करोड़ रुपए में से 99% यानी 15.28 लाख करोड़ रुपए, ये व्हाइट मनी नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि उनने सब बैंकों में अपने बैग में भर भर के जितना भी जमा कराया वो सब व्हाइट मनी हो गई है। ये व्हाइट मनी नहीं है, रुपया बैंकों में जमा हुआ है, और अब इसमें कितनी ब्लैक मनी है ये ढूंढा जा रहा है और इसके परिणाम भी आ रहे हैं। वहीं समाज के दूसरे वर्ग के लोगों ने भी प्रधानमंत्री के इस कदम को एक सुधारवादी कदम बताया। उन्होंने बताया कि अब नोटबंदी के बाद देश में सुधार और फायदे दिखने लगेंगे। पैसे जो रुके हुए थे कहीं घरों घरों में छोटे छोटे टुकड़े में, वो सभी पैसे बैंक में आ जाने से बैंक की फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी हुई, जिस कारण बैंक के रेट्स कम हुए हैं, और वो पूरे पैसे जो है सो देश हित में वो लागू हो रहे हैं। काफ़ी प्लस पॉइंट नज़र आ रहे हैं, विकास की ओर है, और अच्छे परिणाम जनता को मिल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी नोटबंदी के कारण जो पहले परेशानियां हुई है वो धीरे धीरे काफ़ी दूर हो गई है, और अच्छे परिणाम आगे भी हमको मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बदलाव है, और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ था हमारा उस समय 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। इसी डिजिटल करेंसी की ओर हम बढ़े हैं, और इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिससे एक तो अर्थव्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता बहुत अच्छे तरीके से आई, और इनकम टैक्स पे बढ़े हैं। नोटबंदी के बाद में भारत में जो परिस्थितियाँ बदली, खासतौर पर आर्थिक स्तर पर, इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं फ़ायदा देख रहा हूँ कि आतंकवाद पे काफ़ी कुछ हद तक के अंकुश लगा हुआ है। साथ में ही लोग अब कैशलेस लेन देन की ओर भी काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा, और इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी के इस एक साल बाद, तो एक साल बाद हमको अभी से कुछ परिणाम देखने को मिले हैं। जैसे आज हम देखें बैंकों के पास सफिशेंट अमाउंट है, आज हम देखें तो होम लोन सस्ते हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सस्ते हो रहे हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट आने वाले टाइम में बहुत बूमिंग सेक्टर है। मैं ये दूसरे शब्द हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटजिकल प्लान था। पहले नोटबंदी, फिर GST, पता था उनको कि गवर्नमेंट बैंकों के पास पैसा आना है। एक साल पहले जब नोटबंदी हुई थी, उस टाइम का अगर इम्पेक्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो उस टाइम वो जो छोटे लोग थे जो डेली वेजेस पे काम करते, उनके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि उन लोगों के पास में इतना पेमेंट नहीं होता था, और जब एकदम से नोटबंदी हुई तो उन लोगों के पास काफ़ी कैश की प्रॉब्लम हो गई। तो ये तो हो गई छोटे लोगों की बात, पर अगर हम इसी को अगर लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट सभी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बैंक्स के पास देखेंगे, बैंक्स के पास काफ़ी पैसा आ गया है, और जो कंपनीज इनफॉर्मल तरीके से चल रही थी वो सब अब मार्केट से हट चुकी है। नोटबंदी भले ही सरकार इसको एक्सेप्ट करे ना करे, ये एक बहुत जल्दी में लिया हुआ डिसीजन था, और उसके जो
प्रभाव थे उससे निपटने के लिए पर्याप्त उपलब्ध चीज़ों को किया नहीं गया था, जितनी भी फैसिलिटीज देनी थी। जहाँ तक बात होती है कि नोटबंदी का पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, एक बहुत सिंपल आंकड़ा जो गवर्नमेंट खुद लेके आई थी वो ये था कि सिर्फ 1 या 2% नोट ही हैं जो वापस नहीं आए थे। तो मेरे ख्याल से ये जो गवर्नमेंट का पर्पस था कि जो नोट 500,000 के नोट हैं, नकली नोट होंगे, वो वापस नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, मेरे ख्याल से प्राइमा फेसी तो ये पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है। नोटबंदी का 1 साल पूरा होने के अवसर पर देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों की दृष्टि से नोटबंदी सफल साबित हुई है। बीते 1 वर्ष में देश में काले धन के मामलों में कमी आई है, सरकार के पास आयकरदाता भी बढ़े हैं और सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। आने वाले दिनों में नोटबंदी के बड़े फायदे भी जनता को दिखेंगे। पिछले 1 वर्ष में रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ी है, मोर मनी इन द बैंक, मोर मनी इन म्यूचुअल फंड, मोर मनी इन द कैपिटल मार्केट, मोर मनी इन इंश्योरेंस, और ये अपने आप में फॉर्मल इकोनॉमी में अधिक साधन जाए उसके संकेत में जाता है। कोई डिमोनेटाइजेशन वन ऑफ सोल्यूशन है कि इससे सारा समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसने एक एजेंडा बदला और उस बदले एजेंडा में लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हम जाएं। नोटबंदी सफल या असफल, अच्छी या बुरी, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से पूरे विश्व में भारत की तारीफ जरूर हो रही है। जहां देश के बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह और रघुराम राजन नोटबंदी को असफल बता रहे हैं, वहीं विश्व बैंक ने देश में हुए सुधारों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से नोटबंदी को अच्छा कदम माना है। अब पूरे देश में करदाता भी बढ़े हैं और देश के कुछ लोग कुछ करने से पहले सरकार से लगे हैं। सरकार ने कहा कि 18 लाख ऐसे खाते हैं जिनमें करीब 5 लाख करोड़ रुपए हैं वो संदिग्ध है। सरकार ने इन 18 लाख लोगों को, खातेदार लोगों को नोटिस दिए, इनसे जानकारी मंगाई। इन 18 लाख में से केवल 12 लाख लोगों ने जानकारियां दी, 6 लाख तो बिल्कुल पीछे हट गए क्योंकि उनके पास जानकारी देने के लिए कुछ नहीं है, और 12 लाख ने भी जो जानकारी दी वो भी बहुत कुछ संदिग्ध है, उसका भी मूल्यांकन हो रहा है। तो ये बात सही है कि 5 लाख करोड़ रुपए जो 18 लाख खातों में संदिग्ध हैं, उनमें से 3 लाख करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के रूप में चिन्हित हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। तो ये थी कहानी नोटबंदी की, नोटबंदी जिसने लोगों को थोड़ा परेशान किया, विपक्ष को हैरान किया, लेकिन जैसे तैसे करके सरकार अपने इस निर्णय को लागू करने में सफल हो पाई। नोटबंदी जिसने देश को करेंसी की एक नई परिभाषा दी, लड़खड़ाते हुए सही, लेकिन 500 और 1000 के नोट बैंकों तक पहुंचे और सरकार कहीं ना कहीं काले धन को बैंकों तक लाने के लिए जो कवायदें कर रही थी वह सफल होती नजर आई। वैश्विक स्तर पर भी नोटबंदी ने भारत की छवि को सुधारा है और मजबूत किया है, और शायद यही है नोटबंदी की कहानी। टैलेंटेड इंडिया टीम के साथ राहुल तिवारी।